अच्छा हमजा हमजा साहब को के अपने वालिद से बात करें, लेकिन हमजा साहब की अगर बात की जाए तो हमजा शहबाज शरीफ तो एक वाहिद शख्सियत थी। तब आपको याद होगा हसन साहब, आपने देखा होगा, आपने खुद भी अपनी आंखों से भी लाहौर में हमजा शहबाज शरीफ, जब सारी शरीफ फैमिली चली गई थी जद्दा, तो हमजा शहबाज तो एक वाहिद आदमी था जो लाहौर की सड़कों पर अकेला फिरता था, तारीखें भी भुगतता था, कचहरियों में भी जाता था, थाना भी करता था, सारी कोर्टें भी भुगतता था, और जाके एक बंदा उसके साथ होता था सिर्फ, और जाके होटलों में बैठ के अकेला बाहर सड़क के होटलों में बैठ के बाहर सड़क पे बैठ के खाने भी खाता था। तो उसके बाद कहा तो ये गया था अंदर की, आपको भी पता है, कई लोगों को पता होगा लेकिन मेरे ख्याल में मेजोरिटी को नहीं पता, कि हमजा शहबाज शरीफ को तो ये कमिटमेंट दी गई थी कि जैसी पावर चाहवांगे तो तेरे तनु जनाब यू विल बी एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन पंजाब, लेकिन हमजा शहबाज को तो पूछा ही नहीं गया वापस आके। देखिए ये उनका इंटरनल मामला है, मैं तो एक बुनियादी तौर पे एक फिलॉसफी की बात कर रहा हूं। हमजा ने ये बात की है जो अभी आपने सुनवाई है कि मुल्की मफादात के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, कुर्बान करना पड़ता है, तो हमारी तो रिवायत है, हमारी तो तारीख है। गज़वाए बदर में उठा के देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूं अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। कब तक भाईजान 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 अगर ठिकाने पे नहीं आते, वो अना की जंग एक है, मुल्की बका की जंग। तो एक तरफ आप ये साहबजादे का बयान, आई एग्री विद हमजा, आई एग्री विद हमजा, अच्छा दुश्मनों के साथ समझौता करना पड़ता है। ये हिरोशिमा नागासाकी के वाकये में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब कंक्लूड हुई है तो पता है क्या किया था मैकार्थर वगैरह ने, जनरल मैकार्थर ने, हर चीज बुलडोज करके रखती थी, खामोशी से ग्रेस से उन्होंने बर्दाश्त की, ठीक। बट देन दे डिसाइडेड, चाइनीज एलीट ने डिसाइड किया कि अब हथियारों से नहीं, हम औजारों से दुनिया को फतह करेंगे, और 45 साल में उन्होंने लंबा लिटा दिया अमेरिका को, अपना मकरूज कर दिया। ये होती है जिंदा कौमें, ये होती है लीडरशिप, ठीक, ये होती है स्ट्रेटेजी। ये इमोशनल से लोग हैं, अब यावे मियां दे नारे, क्या मियां तो क्या नारे, तीन दफा वजीर आजम रहने के बाद पहले अंजाम देख लो, आज अंजाम देख लो, ये इस तरह होता है। चलो, और ये दाल दूल में काले वाला किस्सा गलत है, अच्छा नंगी चिट्टी शहादत है, बद्या इनके तो सपोर्टर्स कहते थे राणा साहब, खांदे ने थे लांदे भी ने, यानी वो इनके खाने का इतराफ तो इनके सपोर्टर्स भी करते हैं। तो फिर भाई कैसे मुसलमान हो तुम्हारे साथ जो हो रहा है इससे बदतर होना चाहिए।